प्राइम मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पूरे देश में के साथ ही मकर संक्रांति का पर्व संगम नगरी तीर्थराज प्रयाग में बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के पर्व पर संगम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। संगम यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर अलग ही छटा इस मौके पर देखने को मिल रही है। ब्रह्म मूत्र मुहूर्त से ही श्रद्धालु यहाँ आने का क्रम शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु माँ गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। घाटों पर अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं लोग पूजा अर्चना करते दान पुण्य का महापर्व मकर संक्रांति के दिन यानी आज किया गया। दान पुण्य पूजन अर्चना की मान्यता के अनुसार अन्य दिनों की अपेक्षा हजारों गुणों पुण्य प्राप्त होता है। आज दिन तिल खिचड़ी गुड़ वस्त्र और क्षमता अनुसार मुद्रा दान करने का विशेष महत्व है। माघ मेले में ऐसे में कड़ी चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिखाई दी तो लोग आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दिए। जी जी, कहाँ से आए हैं, कितनी कैसा लग रहा है आप लोग? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मनोकामना पूरा हुआ। और मैं नोएडा से आई हूँ और मैं अपने परिवार के लिए सुख शांति मांगी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन मुझे मेरी मन की इच्छा थी और मेरी इच्छा पूरा हुआ और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपने गंगा माता से कामना की अपने परिवार की सुख शांति के लिए। और बस मेरा नाम गुड़िया देवी है। खास मान्यता है जो मनोकामना किया हम लोग को, जो कुछ मांगा थे इनसे इन्होंने हमको पूरा किया मनोकामना, इसलिए हम लोग पूरा परिवार आया है नोएडा से और मना रहे हैं। ठंड नहीं, ज़्यादा नहीं, कहाँ ठंड है ना, तो कहाँ ठंड, कुछ भी ठंड नहीं है। मत में क्या चूड़ा दिखाया जाता है नहा धोवा करके और संक्रांत बोलते हैं उसको, संक्रांत का पर्व यही है। हाँ, जोगिंदर कुमार राय। महाराज जी, आज मकर संक्रांति का स्नान पर्व, क्या महत्व है और क्या दान करते हैं और किस तरह से लोग कामना करते हैं? श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मकर संक्रांति के पर्व पर सूर्य भगवान धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस समय सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए तिल गुड़ अन्न धन वस्त्र आदि का दान देकर भगवान सूर्य को प्रसन्न किया जाता है। और इस परम पवित्र घाट पर, परम पवित्र गंगा यमुना सरस्वती मैया जी के संगम घाट पर स्नान करके ब्राह्मणों को उचित दान देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपना और अपने जीवन और पितरों का उद्धार करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इसलिए सर्व जन जीवन को इस आस्था के समय आस्था की डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए, यथार्थ और कृतार्थ होना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं राजस्थान माउंट आबू से रहने वाला हूँ। माघ मेले का आज द्वितीय स्नान है। जैसा आप अवगत हैं कि आज मकर संक्रांति है और रात को 12 बजे से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। व्यवस्था का देखा बाट रखा है। हर सेक्टर में एक एडीएम रैंक का अधिकारी है जो कि व्यवस्था के लिए लगाया गया। उनके साथ एडिशनल एसपी रैंक अधिकारी हैं जो कि उनके पैरेलल काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 15 स्नान घाट बना रखे हैं और काफ़ी बड़ा उनका सर्कुलेटिंग एरिया है। जल पुलिस की टीम हमारी है, एनडीआरएफ की टीम है, एसटीआरएफ की टीम है जो कि घाटों पर तैनात है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। पूरा हमारा जो मेला एरिया है सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है और इसकी सैनिटाइज माउंटिंग हम लोग IEEE के माध्यम से कर रहे हैं। वहाँ पर विभिन्न विभाग के अधिकारी जैसे कि रेलवे के, रोडवेज के, जिला प्रशासन के, पुलिस के और मेला प्राधिकरण के लगे हुए हैं ताकि कोई समन्वय में कोई दिक्कत ना हो। काफ़ी अच्छे तरीके से, सुगम तरीके से स्नान चल रहा है और रात से लेकर अभी तक लोगों का तांता लगा हुआ सड़क के, पूरी सड़कें और मेला की पूरी सड़कें लोगों से भरी हुई है और व्यवस्था यहाँ पे। आस्था के सबसे बड़े मेले में आप देख सकते हैं यहाँ आस्था की डुबकी लगाने लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तीर्थ नगरी प्रयागराज जो कि तीर्थों के राजा कहलाते हैं और जहां आज मकर संक्रांति स्नान पर्व पर आपको हम दिखा रहे हैं, यहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं और यहां पर पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। माघ मेला एसपी राजीव नारायण मिश्रा खुद यहां पर गश्त लगातार घाटों पर कर रहे हैं और सुरक्षा के कड़े चाक चौबंद व्यवस्थाएँ हैं। जहाँ पर 11 स्नान घाटें बनाई गई हैं, साथ ही यहाँ पर सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ
एनडीआरएफ और एटीएस के भी जवान यहां पर तैनात किए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच में माघ मेले मकर संक्रांति स्नान पर यहां लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मोक्षदायिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से रातों से ही श्रद्धालुओं का यहाँ आना चालू हो गया है और लाखों की तादाद मकर संक्रांति स्नान पर यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मेले के दूसरे स्नान पर मकर संक्रांति के मौके पर किन्नर अखाड़े ने भी संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। हर हर गंगे और ओम नमः शिवाय के उद्घोष करते हुए किन्नर संत के ने गंगा तट पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ, वहीं वैष्णवी नंदगिरी समेत दूसरे किन्नर संतों ने भी यहाँ आस्था की डुबकी लगाई और साथ ही जोशीमठ में आई त्रासदी से मुक्ति और वैश्विक महामारी कोरोना से खात्मे को लेकर मां गंगा यमुना से प्रार्थना की। इसके साथ ही विश्व कल्याण की कामना की। इस मौके पर किन्नर संतों ने विश्व शांति और देश की प्रगति के लिए भी मां गंगा से और कामना की। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ के मुताबिक इस बार माघ मेला में किन्नर अखाड़े का शिविर लगा है और ऐसे में प्रतिदिन यज्ञ अनुष्ठान और सतचंडी जाप हो रहा है। किन्नर संतों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि माघ मेला आए और साधु संतों के दर्शन कर पूर्ण लाभ अर्जित करें। शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। जी जय श्री महाकाल। आज हम लोग जितने भी किन्नर अखाड़ा के संत महंत पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर सब कोई मिल के हम लोग ने आज गंगा मैया का स्नान किया और गंगा माँ से हम लोग यही कामना किया। एक तो उत्तराखंड में जोशी मठ जो त्रासी चल रही है उनके जन कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए हम लोग स्नान किए और गंगा मैया से यही हम लोग ने कामना किया कि जो विश्व में त्राही जो कोरोना वायरस फिर से आया है उसके निदान हो और विश्व में शांति बना रहे और हमारे देश के उन्नति के लिए और हमारे देश के प्रगति के लिए हम लोग ने आज गंगा मैया से कामना किया। और मैं आज मकर संक्रांति के आपके चैनल के माध्यम से पूरा जनता को पूरा देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना व्यक्त करती हूँ और आज माघ मेला में हमारे किन्नर अखाड़ा हर साल की तरह ही भाती ही इस साल भी किन्नर अखाड़ा के शिविर लगा है। जितने भी हमारे आए हुए श्रद्धालु हैं उनसे मैं यही कहती हूँ कि आप लोग आइए और माघ मेला के आप लोग लुप्त उठाइए और ये मकर संक्रांति का बहुत महत्व है हमारे सनातन धर्म में। जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण। आज हम अपनी महामंडलेश्वर गुरु माँ कौशल्यानंद गिरी जी के साथ उन्हें किन्नर अखाड़े के जितने भी पदाधिकारी हैं सबने मिलके यहाँ आदित्य स्नान किया गंगा जी में और माँ गंगा से और इस संगम तट पे आके यही महारानी से यही प्रार्थना की है कि जो हमारे विश्व में जितने भी कष्ट है जैसे कि अभी करंटली जो ये योगी मठ वाला चल रहा है जोशी मठ पे जितनी करोना एंड में वैष्णवी नंदगिरी किन्नर अखाड़े की महंत। धर्मांतरण मामले में जहां आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है तो ऐसे में अब आइजक फ्रैंक ने स्वार्ट्स के कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही सेक्स रैकेट संचालित करने का भी आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है आइए सुनाते हैं। पारवीलाल के यहाँ पर 2005 में ही DIG कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, सेक्स रैकेट खोला कौन कौन उसमें इन्वॉल्व उन्होंने लिखा हुआ है 23 अगस्त 2005 की चिट्ठी में। जिसकी फितरत होती है वहाँ पर तो सारी चीज मौजूद है। वहाँ रहे हैं हम 10 साल, वहाँ पर तो विधिवत बोर्ड में बैठे हैं ना, पूछिए इनसे। 98 से लेकर के मैं 2007 तक बोर्ड में विधिवत रहा हूँ। मैंने बहुत समझाया इनको, अरबीलाल को ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हारे गंदे काम से सारे ट्रस्टीज मरेंगे। हम उस चीज़ को नहीं एग्री करते थे, हम इनका विरोध करते थे। हम जब विरोध करते थे मेरे पर फर्जी मुकदमे किए, मुझे जेल भेज दिए। आज उस मुकदमों में ADJ 8 कोर्ट में 18 तारीख को आइए और पूछिए, वहाँ पे देखिए वहाँ पे कौन फंसा है, ये सब इनके पर वारंट हुए हैं, आरोप है। लड़की का हुआ देखिए, गेस्ट हाउस भी है। मैं कहता हूँ येसु दरबार के परमिशन में आपने देखा हो सुना होगा लड़की ने हैंग कर लिया अपने को, येसु दरबार परमिशन में हैंग कर लिया, उसके मर गई, मरी हुई थी, उसके नोट जो उसके मुट्ठी में था उसको निकाल के फाड़ दिए। शेरन रियो मर गई, कैसे मरी,
जेकब प्रतीक्षा कांड में जेकब को जेल भेज दिए, उसी जेकब को निकाल के मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा करवाते हैं गवाह बना के। मैंने सारे सपा नेता और कांग्रेस नेता बड़े बड़े दिग्गज का मैंने फोटोग्राफ सहित मैंने सब दिया हुआ है। पाल साहब तो जो है भाई आते जाते हैं, अभी उनका भ्रमण हुआ है फिर वो आए हैं। वो देखिए ना भगवा पहन के उनके साथ खड़े हैं कि नहीं। हमारे यहाँ बिशप को भगवा पहनता है, रुद्राक्ष की माला, हमने तो लेटर लिखा है, मैंने आपको लेटर भी दिया है जो कि पुलिस कमिश्नर साहब को एड्रेस हुआ है, कार्य एक्शन लेना चाहिए। जहां बीजेपी सांसद विनोद सोनकर के द्वारा मकर संक्रांति पर सामाजिक समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आकर्षण का केंद्र पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह व बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संग विनोद सोनकर का कटआउट था। साथ ही इस मौके पर लोग कटआउट के साथ फोटो लेते दिखाई दिए, तो वहीं विनोद सोनकर ने लोगों से अपील की कि मकर संक्रांति व पतंग उड़ाएं मगर मांझे का प्रयोग ना करें। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मैं तो कौसामी लोकसभा प्रदेश और देश के सभी नागरिकों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जैसा कि सभी जानते हैं कौसाम्बी विकास परिषद के तत्वाधान में जब से मैं सांसद हुआ हूं तब से लगातार प्रत्येक वर्ष समाज में कैसे भाईचारा बढ़े, समाज में कैसे समरसता आए, समाज में कैसे प्रेम बढ़े, उसको लेके यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष सामाजिक समरसता भोज का आयोजन किया जाता है और आज भी वही कार्यक्रम पुनः है और ये कार्यक्रम जनता के सहयोग से जनता के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसलिए निश्चित रूप से दोबारा मैं समाज के सभी लोगों को सामाजिक समरसता की बधाई देता हूं, मकर संक्रांति की बधाई देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील भी करता हूं कि आज पतंग उड़ाने की एक प्रथा है लेकिन पतंग उड़ाएं लेकिन मंझे का उपयोग ना करें, जिसके कारण पूर्व में देखा गया है कई दुर्घटनाएं घटी है। मैं पुनः समाज के लोगों से निवेदन करूंगा समाज में जागरूकता लाएं और समाज में मंझे का उपयोग ना करें, इस प्रकार का भी प्रयास करना चाहिए। चाइनीज मंझे का भी प्रयोग नहीं, निश्चित रूप से मंझा चाहे चाइनीज हो चाहे इंडियन हो, मंझन का प्रयोग ना हो तो बेहतर रहेगा। इस बार मकर संक्रांति का त्यौहार जहां 15 जनवरी को पड़ रहा है और ऐसे में रात्रि 3 बजे से लेकर मुहूर्त शुरू हो जाएगा, ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पंडित शिप्रा सचदेव का, आइए सुनाते हैं आपको। ओम गणपति नमः। इस वर्ष मकर संक्रांति का पवित्र त्यौहार 15 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा। सूर्यदेव अपने पुत्र यानी कि शनिदेव के घर में यानी कि मकर राशि में 14 तारीख को रात के 3:05 पे प्रवेश करेंगे। इसलिए मकर संक्रांति का त्यौहार जो है पिता पुत्र के मिलन का त्यौहार हम 15 जनवरी को सुबह सूर्योदय के समय से मनाएंगे। सूर्योदय उस दिन 6:25 से होगा। संपूर्ण दिन ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। आज के दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन अगर गंगा नदी में स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो हमारे किए हुए पापों से हमें मुक्ति मिलती है। आज के दिन दानी पुण्य का विशेष महत्व है। दान करने का आज जरूर दान करना चाहिए। तिल के लड्डुओं का दान करना चाहिए। इसके अलावा गुड़ का दान करना चाहिए। आप जो है कंबल या कुछ गर्म वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे जो कर्म है वो कटते हैं। शनिदेव और सूर्यदेव दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बुध अभी भी वक्री चल रहे हैं। मंगल देव 13 तारीख को जो है मार्गी हो गए हैं परंतु बुध देव जो है वो अभी भी वक्री चल रहे हैं। इसलिए आज के दिन यानी कि 15 जनवरी को अगर हम हरी वस्तुओं का दान करते हैं तो भी शुभमय होगा। इसलिए दान में आप पालक का दान अगर करते हैं तो काफी विशेष लाभ मिलेगा। जिन लोगों की बुध की दशा चल रही हो है उनके लिए अच्छा होगा। जिन्हें सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा लगा है, कोल्ड संबंधी समस्याएं लगी है, कफ संबंधी समस्याएं लगी है, ऐसे जातक अगर पालक या हरी वस्तुओं का दान करेंगे तो उनको काफी आराम मिलेगा और बुध देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। बिजनेस संबंधी लोग भी हरी चीजों का दान कर सकते हैं। मैं पंडित शिप्रा सचदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब, जय माता दी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मकर संक्रांति स्नान पर्व पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा करी है, जहां मेला एसएसपी राजीव नारायण मिश्रा के अनुसार ड्रोन व
सीसीटीवी के माध्यम से कड़ी निगरानी की जा रही, साथ ही पुलिस के जवान एटीएस आरएफ और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। जीरो विजिबिलिटी होने के बावजूद सुचारू रूप से स्नान भी कराया जा रहा है, ऐसे में किस तरह की बंदोबस्त है, आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है माघ मेला एसएसपी राजीव नारायण मिश्रा का। आज मकर संक्रांति का ये द्वितीय पर्व है, ब्रह्म मुहूर्त से संगम तट पर और स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है और स्नान घाटों पर सारे श्रद्धालु कल्पवासी सुरक्षित स्नान कर रहे हैं। इनको सारे स्नान घाटों तक सुगम आवागमन प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। इनके आने और जाने के मार्ग पृथक पृथक निर्धारित किए गए हैं, जिससे कि कहीं कोई स्टैम्पेड आदि की घटना ना हो। साथ ही सुरक्षित स्नान प्रदान करने के लिए हम लोगों ने जल में डीप वाटर बैरिकेटिंग करते हुए रिवर लाइंस डाली हुई हैं। रिवर लाइंस पर जाल की व्यवस्था की गई है और इस रिवर लाइन के साथ साथ फ्लड कंपनीज के एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ की टीम ये जल में मौजूद है। विजिबिलिटी कम है, कोहरा काफ़ी है, उसके बावजूद सारे स्नान घाटों पर स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। इस बार खास एटीएस के जवान कमांडो को भी लगाया गया है। सुरक्षा के सारे उपाय एक वृहद सुरक्षा योजना तैयार करके की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों का इस माघ मेले में योगदान प्राप्त है, जिसमें कि नागरिक पुलिस के लोग हैं, सशस्त्र पुलिस के लोग हैं, घुड़सवार पुलिस है, यातायात पुलिस है, महिला पुलिस है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं, एटीएस के कमांडोज हैं, आरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, पीएसी के जवान हैं, एनडीआरएफ है और सारे सीसीटीवी कैमरों के लगभग 200 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ऑपरेटिव है, फीड लगातार जा रही है और आवश्यकतानुसार हम लोग ड्रोन का भी प्रयोग कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और स्नान सुचारू रूप से सारे घाटों पर लगातार चल रहा है। संगम नगरी प्रयागराज जहां माघ मेले में हर साल 14 को ही मकर संक्रांति का स्नान पर पड़ता है और इस बार भी 14 से ही मकर संक्रांति शुरू है, मगर इस बार स्नान का मुहूर्त 14 तारीख के शाम से शुरू हो रहा है जो कि 15 तारीख के शाम तक है और ऐसे में किस तरह से मकर संक्रांति में पूजा अर्चना की जा करनी चाहिए और किस तरह से लाभ अर्जित होता है और क्या इसके महत्व हैं और किस तरह से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, इस पर क्या कुछ कहना है पंडित विजयन मिश्र का, आइए सुनाते हैं। संक्रांति तो 14 को ही पड़ रही है, स्नान का जो पूर्णकाल है वह कल मिलेगा क्योंकि सायंग 8:44 में रात्रि हो जाती है और अगले सूर्योदय को जो 7:15 से प्रयाग में शुरू होगा एक पूर्णकाल मिलता है, जो 7:15 से 9 तक तो सबसे महत्वपूर्ण पूर्णकाल है, उसके बाद 12:35 तक मध्यम पूर्णकाल है तथा 5:46 सायंग तक शेष भी पूर्णकाल है। इस बीच में गंगा स्नान, यमुना स्नान, त्रिवेणी संगम पर स्नान, इन तीनों को मिलाकर के जो प्रयाग में स्नान किया जाता है उसका सबसे बड़ा महत्व है। इस समय आप तप भी करते हैं, दान भी करते हैं और तिल का दान, गुड़ का दान, लकड़ी का दान, घी का दान बहुत महत्व का होता है। पितरों के लिए भी हम यहाँ पर पिंड दान करते हैं, बिना पिंड बनाए हुए अंजलि देते हुए सूर्य की उपासना करते हैं। शनि की भी इससे पूजा हो जाएगी शनिवार को और रविवार को सूर्य की पूजा हो जाएगी तो नवो ग्रहों की भी शांति मिलती है। ज्योतिषियों के लिए, जातकों को बताने के लिए सर्वश्रेष्ठ काल है वो अभी प्रयाग में और संगम क्षेत्र पर, यहाँ पर शनि की भी शांति होती है और सूर्य की भी शांति होगी तथा उनसे पूर्ण लाभ मिलेगा। पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्वार्ट्स के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल की कोतवाली फतेहपुर में 15 अप्रैल 2022 को धोखे से धर्मांतरण कराने के आरोप में दर्ज एफआईआर की चुनौती याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में याची नामित नहीं है, इसलिए उसे चुनौती देने का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा विवेचना के दौरान यदि याची खिलाफ धर्म परिवर्तन में संलिप्तता का साक्ष्य मिलता है तो वे याचिका का विषय हो सकता है। कोर्ट ने याचिका को पोषणीय नहीं माना है और खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा तथा न्यायमूर्ति गजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने कुलपति आरबी लाल की याचिका पर दिया है। बताते चले जहां फतेहपुर पुलिस ने श्वार्ट्स के कुलपति आरबी लाल पर धर्मांतरण मामले को लेकर नोटिस जारी किया था और अपना पक्ष रखने के लिए कहा था, जिसके बाद आरबी लाल कोर्ट की शरण में गए थे। वहीं न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना ने पहले काफ़ी तबाही मचाई है और अब कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 से फिर प्रयागराज और भारत में खतरा मंडरा रहा है, जहां भारत में इसके 3
संक्रमित लोग मिले थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की थी। वहीं माघ मेले में भी लोगों से मास्क लगाने के लिए अपील किया गया, तो साथ ही अब नगर निगम ने कमर कस ली है। ऐसे में रामबाग, बैराना, अन्य सड़कों पर नगर निगम की सैनिटाइजर से भरी गाड़ी आज सड़कों पर सैनिटाइज करते दिखाई दी और जगह जगह सैनिटाइज सड़कों पर कर छिड़काव किया गया। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नगर निगम के द्वारा अब जगह जगह सड़कों पर सैनिटाइज कराया जा रहा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।